हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे यार आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क हमारे लिए ब्लेसिंग क्यों है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि कौन से वो पांच पॉइंट हैं, अगर आपने उन पांचों पे फोकस रख के तैयारी की अपनी आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की अगले 40-50 दिन, तो आपका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो पांच पॉइंट और वाई इट इज़ अ ब्लेसिंग, ये इस वीडियो का टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक मेरा ये है कि जो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क है ये ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि जो हमारे बैंकिंग लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो आपसे स्पीड डिमांड करते हैं और आपको पता नहीं लगता कि आप स्पीड कैसे बढ़ाएं अपनी, ठीक है। तो ये वाले कुछ पेपर्स हैं जिन पे आपको मेनली स्पीड फोकस्ड रहना है, ठीक है। अगर आपका ये पेपर नहीं भी क्लियर हुआ किसी वजह से तो भी आपको ये आपकी स्पीड बढ़ा के जाएगा अगर आप इसकी तैयारी में अच्छे से लगते हैं तो, ठीक है। तो इसीलिए ये ब्लेसिंग है और आपको ये दोनों पेपर बहुत अच्छे से देने चाहिए। और मेरा एक और सजेशन रहेगा कि आप अपने ही स्टेट से ये पेपर देना, क्योंकि स्टेट मतलब किसी और स्टेट में जाके उसके रूरल में काम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है और मतलब मन भी नहीं करता कई बार, बट आपको पेपर ज़रूर देना है अपने स्टेट से, वैकेंसीज कम है तो भी, ठीक है। तो इस ब्लेसिंग्स को आप अच्छे से यूज़ करना और इस बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि स्टेट अपनी जो स्पीड वगैरह वो कैसे बढ़ानी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कि कौन से वो पांच पॉइंट है जिन पे अगर आप ध्यान रखोगे तो आप इस पेपर को क्लियर करने के बहुत करीब पहुंच जाओगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि आपका जो सेल्फ बिलीफ है वो स्ट्रांग होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए स्ट्रांग, क्योंकि आपको पता है इसके कट ऑफ कितनी जाती है। जो आरआरबी क्लर्क है उसकी कट ऑफ ऑलमोस्ट मतलब 90-95% जाती है। अगर 80 नंबर का पेपर है तो आपकी कट ऑफ अराउंड 72-75, 76, 77 भी जाती है कहीं कहीं। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको बस सच्चाई बता रहा हूँ और फैक्ट से रूबरू करा रहा हूँ। और आप जैसे ही बच्चे हैं जो कि इतने मार्क्स लेके आते हैं तभी तो वो कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती है। वो पेपर एकदम बिल्कुल सिंपल आता है प्री का पेपर, इसलिए इतनी कट ऑफ जाती है। और जो आरआरबी पीओ है उसमें कट ऑफ लगभग 50-55-60, तो ये इसके आसपास ही रहती है। तो ये एक रफ फिगर मैंने बताई है, ये कोई प्रिडिक्टेड फिगर नहीं है, ठीक है। तो जब इतनी कट ऑफ जाती है तो आप सोचोगे कि यार मेरी तो इतनी स्पीड नहीं है, मैं एग्ज़ाम भरूंगी नहीं भरूँ। तो आपकी जो जर्नी है, जो प्रोसेस है, वही आपको बेहतर बनाती जाएगी अगर आप ध्यान से तैयारी करोगे तो। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप है सेल्फ बिलीव, वो बिलीव अपने ऊपर जरूर रखना, ठीक है। सेकंड पॉइंट है गाइडली आपके लिए लाया स्पेशल डबल वैलिडिटी ऑफर इसके मॉक टेस्ट पैकेज पे, यानी कि एक साल की जगह आपको 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये पैकेज मिलेगा जिसमें बैंक, इंश्योरेंस, रेलवे और SSC के सारे एग्जाम्स कवर होते हैं। और 3000+ मॉक टेस्ट अच्छी क्वालिटी के आपको मिल सकते हैं 499 में, और उस पर भी आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा RKS12 कूपन कोड लगा के। तो आप ये ऑफ़र ग्रैब कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो PDF बंडल कोर्स है उस पर भी पहला दिन फ्री है, आप एक बार देखिए उसका कंटेंट और फिर उसको भी ग्रैब कर सकते हैं। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में है कि जो आपके पास अवेलेबल टाइम है उसको भी किस हिसाब से आपको डिवाइड करना है। देखो अगर आपके बेसिक्स भी कवर नहीं है तो आप 60% अपने बेसिक्स को दें और जो बाकी है बेसिक्स कैसे कवर करने हैं उसकी भी एक वीडियो बनाई हुई है, और बाकी टाइम आप जो 40% टाइम है वो डेली टारगेट्स और मॉक्स को दें, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो स्पीड फोकस्ड इसके मॉक्स रहेंगे आपके, स्पीड फोकस्ड मॉक्स का मतलब है कि कुछ मॉक्स लगभग, पहले तो ये बता दूं कि आपको लगभग 30 मॉक देने हैं आरआरबी पी और क्लर्क के मिला के, प्रीलिम्स के, और मेंस के 10-10 मॉक देने होते हैं, ठीक है। तो मेंस की अभी थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले मैं बात करूं प्री की। जो इसका जो मॉक आपको देने हैं वो स्पीड फोकस्ड होने चाहिए। स्पीड फोकस्ड का मतलब है कि हर अल्टरनेटिव मॉक में आपको ज़्यादा फोकस स्पीड पे करना है, एक्यूरेसी से ज़्यादा। जब आप डेलिबरेटली या इंटेंशनली आप जब स्पीड पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्पीड बढ़नी ही है, ठीक है। तो पहला ये पॉइंट है। और दूसरा, मॉक जब आप दो तो आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से देनी है। देखो कई बार क्या होता है कि आपको लगेगा कि आपने ना आपको लगता है कि आपका क्वांट स्ट्रांग है या फिर आपके रीजनिंग स्ट्रांग है, तो आप उसको करते करते आप उसके 40 सवालों में आप ले जा रहे हैं कोई 28 मिनट, ठीक है। अब आपके पास बचे 17 मिनट, उसमें आप क्वांट कर रहे हैं, फिर क्वांट के आपके बहुत कम सवाल होंगे, तो आप सोचोगे कि यार मेरी स्पीड कम है। स्पीड कम नहीं, आपकी पुअर टाइम मैनेजमेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आप जब शुरू के कुछ मॉक्स देंगे तो उस प्रोसेस में आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रांग एरिया क्वांट है या रीजनिंग है। तो जो आपका स्ट्रांग एरिया होगा उसको आप ज़्यादा टाइम देना, ज़्यादा टाइम मतलब कि उसको पहले करना, टाइम ज़्यादा नहीं देना है, टाइम दोनों को बराबर देना है। जैसे ही आपका 22.5 मिनट्स या 23 मिनट्स हो जाए तो आप अपने पहले सेक्शन को छोड़ के दूसरे सेक्शन पे जाना, तभी आप मतलब ऑलमोस्ट, जैसे बाकी पेपरों में क्या होता है कि टाइम आपको पहले ऑलरेडी
और डिवाइडेड होता है, बट इसमें आपको खुद मैनेज करना है, ठीक है? तो वो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ द सब्जेक्ट्स एटलीस्ट इन द मॉक्स. बाकी एक दो मिनट ऊपर नीचे एक्चुअल एग्जाम में वो हो जाता है, ठीक है? उसका कोई टेंशन नहीं है. बट अभी यहाँ पे आप 22-22 या 23-23 मिनट देखो और देखो कि आप 22-23 मिनट में कितने सवाल सॉल्व कर पाते हो, ठीक है? तो स्पीड फोकस्ड मॉक रहने चाहिए, ये मेरा मेन मकसद है इस पॉइंट का. इसके बाद है, अब स्पीड फोकस्ड अगर ये पेपर है, ये मॉक स्पीड फोकस्ड है, तो हमें मेंटल कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. मेंटल कैलकुलेशन का सिंपल मतलब यही होता है कि जो आप जो सिंपल चीज़ें, यानी कि 2 digit into 2 digit करना है, तो वो माइंड में करने की कोशिश करें. या फिर जैसे किसी के परसेंटेज निकालनी है, मान लो आपको 64% ऑफ 24 निकालना है, तो आप 64% ऑफ 24 कैसे निकालोगे? आपको पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A होता है, ठीक है? तो मतलब 24% ऑफ 64 निकालना है आपको. तो 24% निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप 20% में 4% प्लस कर दो, या फिर आप 25% में से 1% माइनस कर दो. अब 64 है तो उसका 25% कितना होगा? 16 होगा, ठीक है? 16 होगा और 1% कितना होगा? 0.64 होगा 64 का. तो आपको सिर्फ ये करना है कि 16 में से 0.64 माइनस करना है और आपका 15.36 आंसर आएगा. तो ऐसे आपको अगर ये देखो, मैंने पेन पेपर नहीं उठाया और मैंने ऐसे किया, तो आप भी ऐसे कोई रैंडम नंबर लेके, ये कैसे होगा, आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको स्पीड मैथ्स के लिए या फिर मेंटल कैलकुलेशन के लिए देना होगा. आपको ऐसे रैंडमली नंबर लिखने होंगे या फिर अपने मन में सोचने होंगे. कई बार तो मैं ऐसे करता था, जैसे जब मैं रोड पे भी जा रहा हूँ, मतलब तो भी मतलब जैसे जो बाइक के नंबर होते हैं या फिर कार के नंबर होते हैं, वो 4 digit के होते हैं. तो जैसे किसी का 9087 है, तो मैं सोचता था 87% ऑफ 90 कितना होगा, या फिर 90% ऑफ 87 कितना होगा. तो ऐसे ऐसे करके ना, मतलब फोकस तो आपका चलाने पे ही होना चाहिए बाइक को, बट बीच बीच में ऐसा दिमाग भी आपका मतलब चलते रहना चाहिए. और कहने का मतलब ये है कि आधा घंटा आपको स्पीड मैथ्स या मेंटल कैलकुलेशन पे देना. और इसके लिए एक डिटेल्ड बड़ी अच्छी वीडियो मैंने बहुत पहले बना रखी है, वो जरूर देख लेना आप, ठीक है? तो ये बात होगी आपकी RRB PORRB क्लर्क की. और लास्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा कि आपका जो GA है उसको भी अगर आप आधा एक घंटा डेली दे पाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको 6 महीने की जनरल अवेयरनेस आएगी और आपको इतना क्रैम नहीं कर सकते आप लास्ट में. तो आपको क्या करना है कि रिटेंशन के लिए आपको बार बार रिवाइज करना है, और रिवाइज तभी करोगे अगर आपने पहले कुछ कर रखा होगा. तो आप धीरे धीरे अपनी जो जनरल अवेयरनेस है उसको भी स्ट्रॉन्ग करते रहें, ठीक है? बाकी जो लेवल है वो बहुत मुश्किल नहीं होता RRB PORRB क्लर्क का. अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली, इन 5 पॉइंट्स पर ध्यान रख लिया, तो आप भी RRB PO या क्लर्क बहुत जल्दी बनेंगे और सारी लाइफ आप अपने स्टेट में जॉब करेंगे. यू विल हैव दैट प्रिविलेज एंड यू विल हैव दैट प्रिविलेज ऑफ सर्विंग द रूरल इंडिया एज वेल. तो ये सब इस वीडियो का थीम थी. एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, यू कैन गिव मी अ थम्स अप एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. अच्छे से तैयारी करना, और कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट.